students, I hope you all are fine. In this video, let's see about the rejection policy that you all are facing. और ये mistakes आपको avoid करनी है, वो सब मैं आप लोगों को अभी इस video में समझाने वाली हूँ. Let's see. All right. So, University of Delhi में जब देखा जाता है, तो there are 79 UG programs, जिसमें 67 colleges participate करते हैं. Student, जो first time participate, this is the क्राइटेरिया या बोल सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो इतने स्टूडेंट्स थे. अप्रॉक्स 2 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था. ओनली एलिजिबल हो पाए थे 1,70,000 के स्टूडेंट्स ही अप्रॉक्स हो पाए थे. इतना क्राइटेरिया देख लीजिए कि आप फर्स्ट प्रोसेस में ही बाहर हो जाते हो. इसीलिए मैं बार बार आप लोगों के लिए वीडियोज लेकर आती हूँ. प्लीज ये मिस्टेक्स मत करना, बिकॉज इट्स योर एडमिशन, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट स्टिल वी आर हेयर टू गाइड यू गाइज. All right, इतने सीट्स एलोकेटेड हुए थे इन द फर्स्ट राउंड. वेरी फर्स्ट राउंड में सिर्फ इतने सीट्स एलोकेट हुए थे. क्राइटेरिया देखो, 2 लाख बच्चे बैठे थे जिन्होंने फॉर्म्स भरे थे, लेकिन इतने ही क्या हुए थे, सीट्स अलॉट हुई थी. और जिन स्टूडेंट्स ने लॉक की थी अपनी फर्स्ट राउंड में, ये इतनी सीट्स अलॉक हो गई थी और इन्होंने सीट्स एक्वायर्ड कर ली थी. नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं. देर आर मेनी 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 क्राइटेरिया यू आर नॉट फेसिंग एंड यू आर नॉट फुलफिलिंग, दैट्स व्हाई रिजेक्शन फेस करना पड़ता है. सो पहले से ही वो सब प्रिपेयर्ड रहना, इसीलिए ये वीडियो, मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को लाने का यही है. ओके, नॉट सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. आप लोग देखते ही नहीं हो, पढ़ते ही नहीं हो, समझते नहीं हो कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. सारा पूरा सीयूईटी की साइट पर सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मेंशन्ड है. ऑल राइट, आपके पास क्या देखना है, बीबीए है. बीबीए में अगर आप टॉप मोस्ट कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के टारगेट कर रहे हो, देन सीयूईटी में आपके पास एक लैंग्वेज मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स विद जीटी होना चाहिए. देन फॉर बी ए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, इफ यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर मैथ्स, मैथ्स को ऑप्ट नहीं कर रहे हो, तो आगे आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा. यूनिवर्सिटीज वॉन्ट एक्सेप्ट यू. नेक्स्ट, मिसमैच डोमेन. ऑलराइट गाइस, ये मैं बार बार आप लोगों को समझाती हुई आ रही हूँ. जो सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास डोमेन्स आपके पास ट्वेल्थ में है, वही आप डोमेन्स चूज कीजिए अपने सीयूईटी एग्जाम के लिए. वो चूज नहीं करते तो वहां पर भी एक ड्रॉबैक हो जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज से हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमें स्किल डेवलप करनी है, हम मैथ्स में आ जाएं, बट नो, इफ यू आर नॉट हैविंग दैट सब्जेक्ट इन योर 10th or that you are not having your those subjects in your 12 boards, तो आप लोग eligible नहीं हो, mismatch हो जाएगा. Not appearing for language test, Delhi University ने ये बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि आपको लैंग्वेज टेस्ट देना ही चाहिए. अब कुछ courses जैसे BSc courses के बारे में बात करते हैं. हमारे पास computer science honors है, mathematics है, statistics है. यहाँ पर BSc course के लिए आपके पास पूरा का पूरा amount, मतलब जितने मार्क्स आ रहे हैं सारे टोटल कंसिडर किए जाएंगे. लेकिन कुछ ऐसे ऑनर्स प्रोग्राम्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, यहाँ पे 30% ही आपका मार्क्स का क्राइटेरिया रखा हुआ है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट. यस, देर आर सम कोर्सेज जहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट भी होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, BA ऑनर्स हिंदुस्तानी म्यूजिक में, यहाँ पर 50% ही आपका परफॉर्मेंस चेक करवाई जाएगी एंड आपकी 50% CUET का जो भी आपका मार्क्स होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे. नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स. सो आपके पास प्रॉपर 10th के डॉक्यूमेंट, 12th एज वेल एज योर TC एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए. कोर्सेज एंड कॉलेज सेलेक्शन. अब स्टूडेंट्स प्लीज डोंट बी लाइक ओवर कॉन्फिडेंट, ओके हम तो SRCC में पहुंच ही जाएंगे. स्टूडेंट्स क्या टारगेट करते हैं, बस हम SRCC भरेंगे. उस कोर्स के लिए जिसमें आप एंटर होना चाहते हो, मेक श्योर कि उस कोर्स के लिए आप और भी कॉलेजेस में अप्लाई करना. एक ही कॉलेज को टारगेट करके नहीं बैठना. डेफिनेटली आपका एक कॉलेज है, एम है, वो मिल जाएगा, बट स्टिल आपके पास ऑप्शन होने चाहिए, नहीं तो वहाँ पर भी आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा और आप बाहर हो जाओगे. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू विल फेस.
कॉल्ड रिजेक्शन. रिजेक्शन से बचना है तो ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना, ये वीडियो का मोटिव मेरा यही है, सो दैट आपकी कोई भी ऐसा ना हो स्टूडेंट, कोई भी इस एक साल की मेहनत दोबारा करनी पड़ती है. वो जो एक साल बैठ के दोबारा मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत 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 डिफिकल्ट होता है और बहुत हर्डल्स आ जाते हैं. सो मेक श्योर कि ऐसी कोई भी मिस्टेक्स ना करें, अवॉइड करें उन मिस्टेक्स को. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू CUET, जस्ट कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स एंड आई विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, और उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस पॉसिबल हो सकती है मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगी. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.